भाई को ही आपने चाबी दी थी? हाँ भाई को दिया था ही नहीं, जब आया फैमिली में ना, फैमिली बिजनेस है। अच्छा 400 मीटर पे यहाँ पे वो पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन, गैस डलवा लिया, फुल करा लूँ या इसमें डलवाओं के बस क्रोएशिया तक पहुँच जाएंगे, यहाँ महंगी होगी वहाँ सस्ती है गैस। अब नहीं प्राइस डिफरेंस कितना होगा? 10 डॉलर यूरो का फर्क पड़ जाएगा टैंक में। अच्छा तो हाफ कराओ नहीं? फिर वही हजार रुपये जितनी भी हो सकती है करा लूँ मैं। कितनी देखता हूँ, ये 400 मीटर बता रहा है, ये तो नहीं है, हाँ यही यूरो क्रोने। अच्छा यार यहाँ से चेंज करने हैं थोड़े मुझे पैसे, यहाँ लगा दो सामने, यहाँ पे काम कर, देना कोई चेंज, चल मैं आपको करा रहा हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं। क्या चेंज? ये नहीं 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 या फिर घर बैठे रहो, ये देखो यहाँ से एग्जिट है, नहीं कार वॉश है ना, नहीं इधर से अंदर, इधर से गाड़ी जा तो रही है मेरे पास। यहाँ वो ऑटोमेटिक कार वॉश नहीं है, तुर्की जाके धुलवाएंगे गाड़ी। रात हम इसी तरह से उसमें से गुजर के आए हैं, ऐसे ही था मतलब नहीं, वो तो फिर भी काफ़ी बिजी था, बहुत ट्रैफिक थी रात के वक्त भी, वो तो वो कदमा ही था, वो एक पॉश सिटी थी, छोटे छोटे मार्क्स खूबसूरत से आगे रेस्टोरेंट में आने वाला आपकी बॉर्डर नहीं आया उधर, वो कह रहा यू आर इन स्लोवेनिया। हाँ स्लोवेनिया ही बॉर्डर, बॉर्डर तो गया है उन्होंने, घटा से यहाँ पे नहीं होता तो पढ़ी भी नहीं जा रही इंग्लिश, जो भी लिखा हुआ है ना इटली में तो फिर भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, मतलब रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट मतलब आप मतलब निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत खाने, जो आपने कहा बासुरा वो समझ नहीं थी, बासुरा नहीं समझी, कुछ और बना उसके कुछ लफ्ज हैं फारसी और उर्दू में, यदि कि सारी फारसी के कुछ लफ्ज देख के आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है, लेकिन आप एब्सोल्युटली 100% श्योर होंगे यही मतलब होगा नहीं। अच्छा ऐसी सड़क मिलेगी आपको कोस्टल की? कोस्टल में तो हाँ लिखा हुआ है कि एक साइड पे हुई इसका क्लिफ है और दूसरी साइड पे समझ, हाँ लेकिन सड़क ऐसी होगी सिंगल, और अगर 64 पे जाएंगे वो आपको पूरी पूरी मिलेगी, उसमें तो आप इधर लेन चेंज कर सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं लेफ्ट भी हो सकते हैं, इसमें तो आप जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, आप स्लो जाएंगे तो पीछे आपके ट्रैफिक इकट्ठी होती हो रहेगी, ये दो चीज़ें या ध्यान में रखना। सिग्नल पोर्टेबल सिग्नल इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है क्या रॉकी भी है तो इधर से खोलते हैं उसको, इधर का पोर्टेबल सिग्नल अटैक होगा है और कहा नींद तुम्हारी पूरी हो गई थी रात? नहीं हो गई होगी दिखा, हाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन इससे आज ज़्यादा नींद आई ना, हाँ ज़्यादा था थकावट और ऊपर तो बाहर से बैठा ऐसा लगा था कि 10-11 बजे हम गए, मैंने कहा हाँ बहुत देर हो गई, फिर मैंने सेलफोन जब चेक किया तो 6:42 मैंने कहा है, मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत सारा सांस होते मैं तक 8:15 से उठा हूँ तकरीबन, तुम जब बाथरूम में गए हो ना उसके बाद उसको क्या कहते हैं उस छोटे से टॉयलेट को बैठ के धोते हैं वो बच्चों के लिए सिंक है। नहीं नहीं यहाँ पे अब यहाँ से वो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है लोटे का, हाँ यहाँ से लेकर लोटा घर नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होने का यहाँ से शुरू हो गया, अभी रहेगा ईरान तक, पाकिस्तान इंडिया में भी बल्कि हाँ होगा कल्चर कम्बियो वालूते मेनियाल निक
प्रभात जी की बहन और प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष की पत्नी। कहाँ जा रहे हो? कोटा के लिए। अच्छा, इधर ना लगा, इधर राइट राइट वाली गाड़ी निकालो भैया। क्या दिखाना है? पासपोर्ट। और पैसे कितने चाहिए? अब पता नहीं, देखना पड़ेगा, लाइन देना पड़ेगा। पैसे मैप से काफी फर्क पड़ेगा, पड़ता है। Is they know where we're going? Okay. Thank you. Thank you. Bye. 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 Goodbye from here. Now you're entering in Croatia. किसी भी चलेगा। ये तो सन्नाटा है भाई यहाँ पे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रुकेंगे यहाँ पे? I don't know। सारे खाली पड़े हुए हैं, चलो कुछ नहीं रुको, चलो फिर आगे। हैं? हाँ चलो, कोई भी नहीं है यहाँ तो। ना बंदा ना बंदे के साथ खुदा भाई पार्टी। चलो कहाँ स्टैम्प किया है? ये रहा। तो ये क्रोएशिया है? नहीं कर, हाँ ये क्रोएशिया। लेकिन इसके बाद मॉन्टेनेग्रो है। पसी जा। इसके बाद मॉन्टेनेग्रो है ना? इसके बाद बहुत दूर बाद आएगा कहीं जाके, बहुत बाद आएगा जाके। मैं तो मेरा पासपोर्ट रखूँ तुम्हारे। चीज़ें एक साथ और चाहिए, एक चीज़ें इसको बस जिप जिप कर दें और ग्लव कमांड करना। बारून घोष, जाने माने संगीतकार अनिल विश्वास जी की बहन और प्रसिद्ध बांसुरी वादक। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? स्पीड बांध रहे हैं उसे 50-60 पे कर रहे हैं। अस्सी कर लोगे सब। Freeway entrance on the right then, 0.9 miles on for Rijeka. Approaching freeway entrance on the right, on for Rijeka. Yari
किलोमीटर है यहाँ से रायका। एट कुन्ना मेरे पास हैंड बुक है आगे भी चल कुन्ना अभी कॉइन तुम रखो थैंक यू बाय ये तुम कॉइन तुम रखो चलो फिर सस्ते छूट गए जी सस्ते छूट गए चालीस चालीस डॉलर तुमने एक कुना यानी वन डॉलर तकरीबन नहीं डेढ़ डॉलर कितने में पहुँचेंगे रिया का ट्वेल्थ पे आज तो बहुत है ट्वेल्थ पे लेकिन तेरा मिनट हाँ सेवेंटी के किलोमीटर निकाल रिया का नहीं रिया का अच्छा रिया का शुरू का है क्रोशिया और दुब्रोविक एंड का है क्रोशिया है ना जैसे एलए टू न्यूयॉर्क राइट जैसे कराची से पिशावर मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं हम नहीं कर तो सकते हैं हम कोई लखपति करोड़पति नहीं है हम से लोग हैं मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं हम करना नहीं चाहते इतना टाइम किसी के पास है नहीं आजकल की दौर में फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है सबसे बड़ी बात एक हफ्ता लगता है फिर इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं है लोगों के पास लोग समझते हैं फिर लोग कहते हैं पता रास्ते में क्या डाका पड़ जाएगा घर लूट लेंगे मार देंगे तो ये बंदा फ्लाइट से डरता होगा या नहीं नहीं ये तो कर लोग इंटेलिजेंट समझते हैं हल्के बहुत ब्यूटीफुल है लोग अमेरिका में जो ड्राइव करती हैं दो दो तीन तीन हज़ार अमेरिका तो इतना बड़ा है एक एंड से ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तीन हज़ार कम से कम होगा साढ़े तीन हज़ार में लोग इसमें बिल्कुल हैसल पढ़ना नहीं चाहते ये पेपर जमा करो वो पेपर लाओ ये करो इंश्योरेंस का इसका कारनेट वारनेट लोग घबराते से भागते हैं कहते हैं कौन है झंझटे पड़े एट पकड़ो किस तरीके से यहाँ नहीं करने देंगे आपको एक चले जी वादा नहीं देखना है नीचे दिखाओ तो बड़े खुश हो जाएंगे यहाँ की शूटिंग थोड़ी सी आगे आगे ओशन है ना नीचे ओशन है क्या नीचे पता नहीं लगता है नहीं Rijeka, Croatia.